देखिए साथियों, मानवतावादी मीडिया सेंटर की ओर से भीमा कोरेगांव में जो आपराधिक घटना हुई है उस विषय के ऊपर में विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हम विमान आंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट भीमा विजय मांकर सर से चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा के समय में उनको दो सवाल पूछने जा रहा हूँ। सर, पहला सवाल तो ये है, एपीआई द्वारा 11 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में जो जन आंदोलन हुआ है और जो पिटीशन दिया गया है उसमें क्या बातें कही गई है? देखिए, ये पिटीशन बड़ा महत्वपूर्ण है जो 4 जनवरी को मैंने बनाया है। ये ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ को इवोक कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ में। इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो जुडिशियल कमीशन बनने वाला है उसको दो पावर्स होने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करने का और एफआईआर करने का। डायरेक्टली वो गवर्नमेंट के ऊपर ना छोड़ा जाए, और इसमें ये इन्वेस्टिगेशन केवल ऑफिसर्स का ना हो और जिन्होंने क्राइम किया उनका ना हो। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, यानी जो होम मिनिस्ट्री है, होम डिपार्टमेंट है, वहाँ तक का जो है वो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो ये पावर होना चाहिए कि वो पैरेलली इसका इन्वेस्टिगेट करे जहाँ ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो। तीसरा, जो इसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की गई बड़े पैमाने पर, उसका कॉम्पनसेशन जिन लोगों ने किया उनसे रिकवर होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व थे उनको बैन किया जाना चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जो प्रोपोगेट कर रहे हैं। जो फॉल्स केसेस छोटी मोटी लगाई जा रही, जो 3 तारीख को जो आंदोलन किया जिन लोगों ने, तो उनको जो है वो विड्रॉ करना चाहिए। और इसके साथ में जो है SC ST पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट सब प्लान में 15% पैसा जो है वो शेड्यूल कास्ट और जो है बुद्धिस्ट लोगों के लिए महाराष्ट्र में जो है वो रिजर्व होना चाहिए। और इसका जो रिटर्न और ओरल डिपोजिशन है उसका जो राइट का अफर्मेशन भी मैंने किया है। सर, दूसरा सवाल जो है, भीमा कोरेगांव में आपराधिक घटना में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ऊपर में भी हमला कर सकते हैं, ऐसा प्रकाश आंबेडकर जी ने क्यों कहा होगा? नहीं, उन्होंने क्या सोच के कहा ये तो मैं नहीं कहूँगा। आज पूरे महाराष्ट्र में हमने जो है वो जन आंदोलन किया काफ़ी जिलों के अंदर में, और मैं समझता हूँ, देखिए ये जो 29 तारीख से जो घटनाएं हुई, जो गायकवाड़ महाराज की समाधि को तोड़ा गया, 30 तारीख को वो गांव ने ब्लैक डे मनाने के लिए जो है वो जनसभा की, और मैं ये नहीं मानता कि इंटेलिजेंस नहीं होगा, क्योंकि डीजी इंटेलिजेंस होता है वो DGP को देता है, होम मिनिस्टर को फीड होती है, इस केस में चीफ मिनिस्टर ही होम मिनिस्टर है। तो मैं ये ऐसा नहीं मानता कि होम मिनिस्टर को, यानी कि चीफ मिनिस्टर को इसकी जानकारी नहीं थी। लोग कह रहे कि पैम्पलेट्स बटे, इतने सारे पत्थर कहाँ से आए, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण इशू। इतना ऑर्गेनाइज मॉब जो है वो वहाँ पर कैसे जो है वो इकट्ठा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटेलिजेंस को जानकारी नहीं थी कि 8-10 लाख लोग आएंगे और इस तरह का कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्तियों के नाम आए, बेड़े जी है जो, या कोई एक बोटे हैं या और देव वगैरह जो आ रहे हैं, तो ये जो लोग हैं, होम डिपार्टमेंट को जब ये सब मालूम था, ऐसा इंटेलिजेंस के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस को मालूम होता है बातें, और इसका प्रिवेंटिव जो उनको जो मेजर्स लेना था वो नहीं लिया। अब ये दिखाने के लिए कि दोनों अलग अलग है, इस तरह का ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ प्रकाश अम्बेडकर जी को अब प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए कि उनका एनालिसिस में जो है वो कहीं ना कहीं एरर हो रहा है, कि ये जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है होम डिपार्टमेंट पर आएगी उसको भटकाने के लिए, कि जो करने वाले लोग हैं और जो जिन पर जवाबदारी थी कि ना हो, ये दोनों एक ही लोग हैं, ये अलग अलग नहीं है, इस पर से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का जो है स्टेटमेंट दिया गया। और मैं समझता हूँ कि प्रकाश अम्बेडकर जी का एनालिसिस जो है उनको करेक्ट करना चाहिए। मानवतावादी मीडिया सेंटर के साथ में अपनी राय साझा करने के लिए मानकर सर का बहुत बहुत धन्यवाद।